आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स में हेड कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है और यहां पर आपको इस वीडियो में उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। आप देखेंगे कि हेड कांस्टेबल भर्ती का अभी केवल 60 नोटिफिकेशन आया है, लेकिन 8 जून से जब इसका आवेदन शुरू होगा उससे पहले आपको फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर भर्ती को दो भागों में बांटा गया है, जहाँ पर पहले वाले में 158 पद और दूसरे में 90 पद है, यानी कि कुल मिलाकर के 248 पद होंगे इस भर्ती में। अगर आप इस वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको वहाँ पे इसका फुल नोटिफिकेशन जब जारी होगा तो मिल जाएगा। यहाँ पर 100 रुपये की फ़ीस लगेगी और ये भी केवल जनरल और ओबीसी को देना होगा। एसी, एसटी और इसके अलावा सभी कैटेगरी की महिलाएं बिना किसी शुल्क के इसका आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो जो डेट ऑफ बर्थ रखा गया है यह है 18 से 25, जो कि काउंट किया जाएगा 1/1/2022 के दिन। और अगर आप हेड कांस्टेबल सीएम डायरेक्ट एंट्री वाले का फॉर्म भरेंगे तो इसके लिए आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए। हालांकि यहां पर आपको स्किल टेस्ट भी देना होगा, जहां पर 35 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में और हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग देनी होगी कंप्यूटर पे। उसी तरह जो LDCEA वाला पद है, इसमें 35 ईयर तक वाले लोग इसका आवेदन कर पाएंगे और ये भी काउंट किया जाएगा 1/1/2022 के दिन। दोनों के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए। इसका आवेदन 8 जून से शुरू होगा www.recruitment.itbpolice.nic.in पर जाकर आप इसका आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर आपका सिलेक्शन फिजिकल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद मेडिकल के बाद होगा। और यहाँ पर इसका आवेदन 8 जून से स्टार्ट होगा, जो कि 7 जुलाई 2022 तक चलेगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ आपको इसके आवेदन करने की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।